बच्चों, जीपी जीपी क्या होती है? जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब टर्म्स मल्टीप्लाई होके आगे प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। जैसे देखो, पहले वाली टर्म आपकी 2 है, इस पहले वाली फर्स्ट टर्म को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से, तो ये 2 into 2, ठीक है, ये आपकी सेकेंड टर्म है। फिर जो आपकी थर्ड टर्म है वो क्या है सेकेंड टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से, ठीक है। फिर आपकी जो नेक्स्ट टर्म है उसमें क्या किया, उससे पिछली टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। फिर जो आगे वाली टर्म है उसमें भी क्या किया, 16 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से, ठीक है। हर पिछली टर्म को एक नंबर से मल्टीप्लाई होने पे नई टर्म आ रही है, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, राइट। और इसमें देखो, अगर आप A2 by A1 करेंगे, A2 by A1 करेंगे, क्या आएगा? 4 by 2, दैट इज 2। आप A3 by A2 करेंगे, A3 by A2 करेंगे तो क्या आएगा? 8 by 4, ठीक है, दैट इज ऑल्सो 2। आप A4 करेंगे, A4 by A3 करेंगे, हेलो, हाँ, A4 by A3 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, बताओ जरा। हाँ, ऐसा ही है, A4 by A3, A4 by A3 करोगे बच्चों कितना आएगा? 16 by 8, 16 by 8। तो ये भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो कंटिन्यूअस टर्म्स का रेशियो सेम है, ठीक है। दो कंजेकेटिव टर्म कोई भी ले लो, आप फर्स्ट सेकंड ले लो, उनका भी रेशियो क्या है? 2। आप सेकंड थर्ड ले लो, उनका भी रेशियो क्या है? 2। आपने थर्ड फोर्थ ली, उनका भी रेशियो 2 है। फोर्थ और ये ली, इनका भी रेशियो क्या है? 2। कंजेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम है। ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं? जीपी सीरीज, जीपी सीक्वेंस, ठीक है। एंड बच्चों, जो ये रेशियो आया है, कॉन्स्टेंट रेशियो, जो आपका कॉन्स्टेंट रेशियो है, जो कॉन्स्टेंट रेशियो है, इसको बोला जाता है कॉमन रेशियो। क्या बोला जाता है? कॉमन रेशियो। और इसको आर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? आर से, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आर क्या है? आर किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है इस सीक्वेंस का, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो, A2 by A1 इज इक्वल टू A3 by A2 इज इक्वल टू A4 by A3 डैश 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 An-1 अपॉन An अपॉन An-1। अगर ये सेम रहता है तो ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। समझ आया, ठीक है। तो ये तो होगी जीपी की डेफिनेशन। अब अगर आपको जीपी दी हो, जैसे 2, 6, 18, 54, अब आपको ये चेक करना है कि जीपी है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? A2 by A1 करोगे। A2 by A1 6 by 2 क्या आएगा? 3। A3 by A2 करोगे, ठीक है, 18 by 6 कितना आ गया? 3, सेम आ रहा है। तो कांस्टेंट रेशियो, रेशियो इनका कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि कॉमन रेशियो क्या बन गया? कॉमन रेशियो क्या बन गया? 3। समझ आया? ऐसे जीपी की जो टर्म्स होंगी, जैसे पहली टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म मान लो ए है, फर्स्ट टर्म क्या है? ए। सेकेंड टर्म बच्चों इसी को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आएगी। देखो, जैसे जैसे यहां सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो कितना है? 3 आया ना। तो सेकेंड टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, यानी कि जो सेकेंड टर्म होगी वो क्या होगी? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो। फिर जो थर्ड टर्म है, वो थर्ड टर्म क्या है? देखो, 2 into कॉमन रेशियो का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, 9 to the 18, 2 into कॉमन रेशियो का स्क्वेयर, जो थर्ड टर्म होगी वो होगी AR स्क्वेयर। ऐसे ही फोर्थ टर्म को देखो, फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो कितना है? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 to the 54। तो नेक्स्ट टर्म क्या है? AR क्यूब, AR क्यूब। मतलब आप ये कह सकते हो A1 is equal to A, A2 is equal to AR, A3 is equal to AR क्यूब, ठीक है, सॉरी AR स्क्वेयर,
ए फोर इज इक्वल टू ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे ही बच्चों अगर एन एच टर्म का फॉर्मूला हम बनाए जीपी का तो क्या बनेगा, ए आर टू द पावर, देखो फर्स्ट टर्म में आर की पावर जीरो है, सेकेंड में आर की पावर वन है, थर्ड टर्म में टू है, फोर्थ में थ्री है, तो ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन या एन एच टर्म या फिर जनरल टर्म, एन एच टर्म या फिर जनरल टर्म। चलिए बच्चों आगे, नेक्स्ट बुक निकालो बच्चों। स्ट्रेट लाइन किसका कब शुरू होने वाला है, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो गया फिजिक्स में नहीं होता बेटा स्ट्रेट लाइन, वो बस थोड़ा बेसिक बता दिया होगा। स्ट्रेट लाइन कब शुरू हो रहा है आपका, क्योंकि बिना स्ट्रेट लाइन यहाँ समझे आपको समझने में दिक्कत होगी। ना करवा देंगे। देखो बच्चों आप एक जीपी दी हुई है 5/2, 5/4, तुम लोग तब तक आगे करो, अब तक करते रहो, तुम तुम्हारा उस पे आएगा मैं बता दूंगा तुम्हें कब से ज्वाइन करना है। ये क्या कह रहा है, 20th टर्म। देखो बच्चों पहले टर्म बताओ 5/2 है, दूसरी टर्म बताओ 5/4 है, नेक्स्ट टर्म कितनी है 5/8 एंड सो ऑन। ये जीपी है, बी गिवन है ये जीपी है। तो अगर आपको इस जीपी का रेशियो फाइंड करना पड़े कॉमन रेशियो, तो कैसे फाइंड करोगे, a2 by a1 करके देखो 5/4 upon 5/2 क्या बन जाएगा, 5/4 into 2/5 क्या आएगा 1/2। देखिए जरा, तो a2 by a1 हमारे पास ये सब आ गया। अच्छा अगर आप a3 by a2 भी फाइंड करके देखना चाहो तो क्या आएगा 5/8 upon 5/4, तो क्या हो जाएगा 5/8 into, अच्छा स्पीड बढ़ाओ क्योंकि स्पीड का बहुत गेम है यहाँ पर, तो आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि देखो इधर लिखो इधर दिमाग भी चलता रहे साथ साथ। ठीक है, तो जीपी तो है, ये तो कंफर्म हो गया। अब इस जीपी की आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है बताओ जरा, 20th टर्म। अभी अभी मैंने आपको एन एच टर्म का फॉर्मूला बताया, एन एच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। So, अगर आपको 20th टर्म फाइंड करनी है तो a20 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ जरा, r टू द पावर 19, a क्या है 5/2, r क्या है, r क्या बच्चों 1/2 टू द पावर, दिस इज 5/2 into, इस 2 को इस 1/2 के साथ ही कंबाइन कर देते हैं, क्या लिखा जाएगा 5 into 1/2। देखो एक 1/2 है और 1/2 की पावर 19 भी है, क्या बन जाएगा इसकी पावर 20 बन जाएगी। ठीक है, बस यही इसका आंसर है, यही फाइंड आउट, नहीं नहीं 20 पावर थोड़ा निकालेंगे वैसे, हालांकि निकालना कोई ऐसा बड़ा मुश्किल काम नहीं होता, 1024 into 1024 कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, बट निकालना नहीं है, ऐसे ही छोड़ना है। अगला क्वेश्चन, द 12th सम of a GP whose 8th term is 192, 12th term of a GP whose 8th term is 192, आपको क्या फाइंड आउट करना है, GP की 12th term फाइंड करनी है। ठीक है, 12th term of a GP, 12th term आपको फाइंड करनी है, GP की क्या फाइंड करनी है 12th term, 12th term of a GP whose 8th term is 192, 8th term क्या गिवन है बच्चों 192, एट टर्म कितनी गिवन है 192। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। ठीक है बच्चों, एंड कॉमन रेशियो इज 2, कॉमन रेशियो कितना है 2 दिया हुआ है। 12th टर्म, 8th टर्म आपके पास a8 इज इक्वल टू 192,
आर इज इक्वल टू टू। अच्छा आपको फाइंड ये करना है। अच्छा एक बात बताओ, ट्वेल्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर टू द पावर 11, मतलब इसके लिए आपके पास ए और आर होना चाहिए। आपके पास आर तो है बट ए नहीं है, आर तो है बट ए नहीं है, कहां से निकालोगे? ए एट को लिखोगे, ए आर सेवन क्या लिखोगे? दैट इज इक्वल टू 190। इस रिलेशन से आप ए निकाल सकते हो क्या? कैसे? ए आर बताओ कितना है? आर आर हमारे पास टू दिया हुआ है, ठीक है बच्चों? 128 कहां पर बताएं? अच्छा अच्छा अच्छा, ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 192 अपॉन 2 टू द पावर 7। 192 बताओ 192 क्या होगा? 2 टू द पावर 7 से कट कर सकते हैं क्या हम इसको? कर सकते हैं बट अभी रहने दो, बाद में देखेंगे। ए इज इक्वल टू दिस आ गया, आपको फाइंड क्या करना है? A12 फाइंड करना है। A12 क्या होगा बच्चों? AR11। A कितना है देखो, 192 अपॉन 2 टू द पावर 7 इंटू R11। R कितना बच्चों? 2। 2 टू द पावर 11। समझ आया? समझ आया नहीं आया? कहां से नहीं आया जल्दी बोलो, फिर बता दिया साथ के घर नहीं आए, मुझे क्यों पूछना पड़े, तुम पहले ही बता दो, जल्दी बताओ। मिलो अब 7 पावर यहां से कट कर दो, 7 पावर यहां से कट कर दो, तो आप 4 पावर बचेंगे 2 की। 192 इंटू 2 टू द पावर 4, 192 इंटू 16 निकाल दो कितना आता है। चेक करो पीछे, मल्टीप्लाई करके देखो पहले कितना आ रहा है। तुम्हारा कितना आया पहले मल्टीप्लाई करो, चेक कर। ये आएगा, समझे? चलो आगे, अगला क्या है भाई? आगे कहते हैं फिफ्थ एट एंड इलेवेंथ टर्म ऑफ जीपीआर पी क्यू एस, फिफ्थ टर्म, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये जान लैक करते वही बताओ मुझे, पीछे मत छूटो, ठीक है ना? ये कहता है फिफ्थ एट एंड इलेवेंथ, फिफ्थ एट इलेवेंथ टर्म ऑफ जीपीआर क्या गिवन है बताओ जरा? पी क्यू एस गिवन है, पी क्यू एस गिवन है, ठीक है बच्चों? देखो जरा फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला बताओ, ए आर फोर, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर फोर, सो ए आर फोर इज इक्वल टू पी, ठीक है? एक टर्म ए आर सेवन इज इक्वल टू क्यू, ए इलेवन ए आर टेन, दिस इज एस, समझ आया? और प्रूविंग क्या है बच्चों? प्रूविंग क्या है? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है? पी एस के इक्वल है, करेक्ट? ये प्रूव करना है, ठीक है? तो एक काम करो, एक काम करो, पी एस की वैल्यू निकालो, बताओ पी एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पी पी इज ए आर फोर, ए आर फोर एस ए आर टेन, सो बच्चों ये क्या हो गया? ए स्क्वायर आर फोर्टीन, ए स्क्वायर आर फोर्टीन, ठीक है? ए स्क्वायर आर फोर्टीन, हाँ। तो क्या आप इसको ए आर सेवन का होल स्क्वायर लिख सकते हो? ए आर सेवन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ए आर सेवन तो ए एट होता है, और ए एट तो क्यू दिया हुआ है, दिया है ना? सो दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, देखो वहां पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बच्चों देखो जरा क्या है, बताओ जरा।
फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी, फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी सिक सिक जीपी स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज माइनस थ्री. फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों? माइनस थ्री. फर्स्ट टर्म इज माइनस थ्री. डिटरमाइन द सेवंथ टर्म. ए सेवन फाइंड करना है, ए सेवन फाइंड करना है. ठीक है, देखो बच्चों जरा. फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म. फोर्थ टर्म क्या है? सेकंड टर्म का स्क्वायर. साथ में हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म माइनस थ्री दी हुई है एंड ए सेवन हमें क्या करना है? फाइंड करना है. ठीक है, क्या करें? कौन बताएगा? गिवन रिलेशन को यूज करो किसी तरह से. बताओ क्या कर सकते हो? गिवन रिलेशन को यूज करो किसी तरह से. बताओ क्या कर सकते हो? अरे टू के स्क्वायर को उधर भेज के रूट ए फोर कर सकते हैं. उधर क्यों भेजे बेटा? ए फोर को लिखो ए आर क्यूब, ए टू को लिखो ए आर. ठीक है, एक ए फोर क्या होता है? ए आर क्यूब. ठीक है, अच्छा क्या आ गया यहां से बताओ जरा? ए स्क्वायर सॉरी ए आर क्यूब. ए आर क्यूब इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर. एक ए कट कर दें, एक ए कट कर देते हैं. आर स्क्वायर से भी एक आर कट, दो पावर कट कर देते हैं. लेफ्ट साइड में एक आर बचेगा और राइट में क्या बचेगा? एक ए. तो यहां से आ गया आर इज इक्वल टू ए. बट क्या हमें ए की वैल्यू गिवन है? यस, ए माइनस थ्री है. तो आर कितना आ गया? आर इज ऑल्सो माइनस थ्री. ठीक है, आर कितना है? माइनस थ्री. ठीक है, चले आगे. अच्छा जी, नेक्स्ट इज क्या? अब हमारे पास ए आ चुका है, आर आ चुका है. ए सेवन की वैल्यू क्या होगी? ए आर सिक्स. ए इज व्हाट? माइनस थ्री. एंड आर इज व्हाट? आर इज ऑल्सो माइनस थ्री. इसकी पावर सिक्स, माइनस थ्री टू द पावर सेवन हो गया ये. और ये कितना होता है बच्चों? माइनस माइनस करो फाइंड आउट. क्या ए सिक्स क्या होता है? 243. ए सिक्स क्या होता है बच्चों? 243. 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. सॉरी 343 होता 85, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो. 9 से मल्टीप्लाई कर दो. टू वन एट सेवन. ठीक है, अपना फोन का कुछ कर रहे हो क्या? नेक्स्ट बच्चों, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी. सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ ए जीपी. जीपी के एंड टर्म्स का सम क्या होगा? जीपी के एंड टर्म्स का सम एस एन इज इक्वल टू. बताओ जरा जीपी के एंड टर्म्स का सम एस एन इज इक्वल टू. ये होता है बच्चों ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. लेकिन ये आप कब अप्लाई करोगे? ये कब अप्लाई करोगे? इसमें छोटा है ना, दिखेगा नहीं अच्छे से, आंखें फोड़ेगा. R is greater than 1. R is greater than 1. कब अप्लाई करना है आपको? When R is greater than 1. और बच्चों जब R less than 1 होता है तो कुछ नहीं होता. जैसे ऊपर से माइनस कॉमन लिया आपने, न्यूमरेटर से आपने माइनस कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस आर टू द पावर n. नीचे से भी माइनस कॉमन लगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस आर. क्या बनेगा? 1 माइनस आर. माइनस माइनस को अगर आप कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? दिस. ठीक है, सो आ गया यहां से r लेस देन 1. क्या आ गया? r लेस देन 1. ठीक है, चलें आगे. नेक्स्ट
देखो बच्चों जरा एक क्वेश्चन दिया हमें 2 2 2 4 एंड 128। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है ये 2 2 2, ठीक है 4 128 एंड सो ऑन। क्या आप इसमें मुझे कॉमन रेशियो बता सकते हो? A2 by A1 करो, करो A2 by A1। √2, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात और है बच्चों, जैसे अभी तो हम जीपी का चैप्टर ही कर रहे हैं, जीपी की एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, एग्जाम में आपको जरूरी नहीं बताया जाए कि जीपी है, तो आपको चेक करना पड़ेगा जीपी है, तो आपको एक से ज्यादा टर्म्स का रेशियो फाइंड करके देखना होगा, यहाँ पर A3 by A2 भी करके देखना पड़ेगा, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जीपी है या एपी है, ठीक है। वहां पर आपको क्वेश्चन में थोड़े ना बोलेंगे ये जीपी है इसका रेशियो फाइंड करो, वहां तो सीधा लिखेंगे फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, तो आपको डिसाइड करना होगा जीपी है या एपी है, ठीक है, किसी में भी आ सकता है नहीं, ठीक है। तो फिर आप जैसे आपने ये फाइंड किया, पहले आपने देखा ऐड करके देखा इसमें से ये किया, इसमें से ये माइनस किया, सेम नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आपने इसको डिवाइड करके देखा दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो 2 से 3 टर्म्स को आपको डिवाइड करके देखना है, ठीक है, तभी आपको पता लगेगा कि जीपी है कि नहीं है। अभी हमारा रेशियो आ गया दिस, क्या फाइंड करना है बच्चों आपको, सम ऑफ एन टर्म्स, नहीं, अच्छा इसकी लास्ट टर्म, हाँ इसकी एक टर्म 128 दी हुई है, इसकी एक टर्म क्या दी हुई है 1। अच्छा ये पूछा है कि कौन सी टर्म है, मतलब एन फाइंड करना है, एपी में हमने एसएसएम किए थे, तो ये फाइंड करना है कि ये कौन सी टर्म है, एन फाइंड करना है, तो एन फाइंड करने के लिए क्या करें बताओ जरा, एन फाइंड करने के लिए क्या करें, हम मान लेते हैं कि ये कौन सी टर्म है, एनएच टर्म है, क्या है एनएच टर्म, एनएच टर्म इज 128। अगर एनएच टर्म 128 है, हमें नहीं पता ना कौन सी टर्म है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि कौन सी टर्म है, एनएच टर्म है। एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। क्या हमारे पास कुछ वैल्यूज है ए और आर, लाइक यस, आर हमारे पास क्या है √2 और ए क्या है 2, तो 2 into √2 raised to power n minus 1, दिस इज 128, 2 into √2 raised to power 128। अब एक बात बताओ आप मुझे, √2 to the power n minus 1 किसके इक्वल आ गया, 128 by 2, दिस इज इक्वल टू, हां बताओ, समझ आया आपको, राइट हैंड साइड को आप क्या लिख सकते हो, 2 to the power 64 क्या होता है, 2 to the power 6। अच्छा आप इसको √2 to the power 12 भी तो लिख सकते हो, सो एन माइनस वन इज इक्वल टू 30, एन माइनस वन इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि ये कौन सी टर्म है, 13th टर्म है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, इसी का सेकेंड पार्ट, क्या पूछा है, √3 3√3 till 729, √3 3√3 till 729 n फाइंड करना है, बताओ भाई कॉमन रेशियो फाइंड किया आपने, बताओ कॉमन रेशियो क्या आया, √3 3√3 upon 3 आ रहा है मेरा तो, अच्छा बीच में मैंने टर्म मिस कर दी, हाँ। अच्छा बीच में एक टर्म मिस कर दी भी मैंने, सेकंड 3, ठीक है बताओ क्या आएगा यहां से, 3 upon √3, दिस इज कॉमन रेशियो आ गया 3 sorry √3। अब फिर से भाई क्या मान लेंगे, nth टर्म इज इक्वल टू 729, nth टर्म इज इक्वल टू, nth टर्म का फॉर्मूला arn-1, दैट इज 729, व्हाट इज a, कितना है √3 और r कितना है raised to power n-1, दिस इज 729, तो ये हो गया बच्चों √3 की पावर n लेफ्ट हैंड साइड में, बेस सेम है पावर एड हो जाएंगी, ये 1 पावर है वो n माइनस 1 पावर है, तो √3 की पावर n हो गया, दिस इज 729 होता है बच्चों, 3 की पावर क्या 6, 3 की पावर 6 होता है ये,
तो आप इसको लिख दोगे रूट थ्री की पावर कितनी है बताओ मेरा, 12। तो n क्या आ गया, n इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करोगे, अभी मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। अच्छा, सभी लोग ध्यान सुनेंगे, ध्यान से मुझे ये बताएंगे अगर ए बी सी तीन नंबर जीपी में है तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे ये? सभी लोग बताओ, कौन बता सकता है? हाँ भाई, आप लोग भी बताओ। तीन लोग, तीन नंबर अगर जीपी में है तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, क्या करेंगे? वेरी गुड, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। कैसे बताओ, कैसे आप बताओ, कैसे कैसे आया सर? आप बताओ। हाँ सर, क्योंकि सर ए बी ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। देखो यहाँ से कॉमन रेशियो फाइंड आउट करोगे तो किसके इक्वल होगा, बी बाई ए के इक्वल। अगर इन दोनों से कॉमन रेशियो फाइंड करते हो तो वो सी बाई ए के इक्वल होगा। तो मतलब बी बाई ए किसके इक्वल है, कॉमन रेशियो के बराबर, और सी बाई बी कॉमन रेशियो के बराबर, ये दोनों आर के इक्वल है ना, है? तो हम क्या कह सकते हैं, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी बाई, यहां बी आना चाहिए था, सी बाई बी, दिस बाई दिस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर बच्चों तीन नंबर एपी में हो, तीन नंबर एपी में हो तो क्या प्रॉपर्टी होती है, थ्री नंबर ए बी सी आर इन एपी, क्या प्रॉपर्टी होती है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये प्रॉपर्टी होती है। और तीन नंबर अगर जीपी में हो तो क्या प्रॉपर्टी होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चले आगे। अद्भुत कलर है, ज्यादा ही चमकीला है। चले आगे, चले जरा देखो, देखो भाई सिक्स क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और आपको तीन नंबर दिए गए हैं, माइनस टू बाई सेवन एक्स और माइनस सेवन बाई टू। बड़े बड़े नंबर है, करना है। जैसे आप दो मिनट भी आप दूसरी ये सब करवा देते हो इतने बड़े बड़े नंबर हो जाएगा। कहाँ है नंबर, पढ़िए। सर ये जो 1963 प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 36 जा 18 एक बचा, 35 जा 36 जा 31 जा, ठीक है, 32 जा 31, 38 जा और 32 जा 37 जा, आई थिंक अगर मैंने गलत नहीं किया तो चेक करो, 3 से हाँ 37 जा 32 जा 39 जा, और ये कितना आ गया भाई, 3 की पावर 7, तो 3 की पावर 10 आ गया। हाँ 3 की पावर 7 सिक्स होता है, अभी तो करके आए थे, थ्री की पावर सिक्स, तो थ्री की पावर नाइन आ गया ये। ठीक है, चलो आगे कर लोगे इसको अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये कहता है कि माइनस टू बाई सेवन, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, सिक्स क्वेश्चन, माइनस टू बाई सेवन, माइनस टू बाई सेवन, हाँ x एंड 7 बाई टू, x एंड 7 बाई टू, माइनस 7 बाई टू, ये क्या है, r इन ap में है, ये किसमें है, ap में है, क्या फाइंड करना है, सॉरी 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 gp में, ये gp में है, आपको x फाइंड करना है। तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर तीन नंबर gp में है, a b c, थ्री नंबर r इन gp, अगर तीन नंबर gp में है तो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, स्क्वायर ऑफ मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन आया तो एक्स क्या आ सकता है, प्लस माइनस वन कुछ भी हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है,
प्लस माइनस वन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलते हैं भी आगे, चलो ना। हाँ, थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने आपको एसएन का फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एसएन इज व्हाट? ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये होता है। ये कब अप्लाई करते हैं? आर ग्रेटर देन वन, और ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर इफ आर इज लेस देन वन। आर अगर लेस देन वन है तो ये होगा, ठीक है। देखो जरा, ये कहता है 0.15 एंड सो ऑन। क्या फाइंड आउट करना है? टिल 20 टर्म्स तक आपको एसएन सम फाइंड करना है। तो ए क्या है यहां पर? 0.15। आर क्या है? दिस बाय दिस 0.015 अपॉन 0.15। डेसिमल काट दो। ओ नहीं, ऐसे थोड़े ना काट सकते हैं, ऐसे क्यों काट दिया? मतलब थोड़ा तरीके से काटेंगे ना। ये है वो, कैसे करोगे बताओ जरा, बताओ क्या आएगा? 1/10 आएगा ना, या आप इसको 0.1 लिख सकते हो। ओके, गुड। आर इज इक्वल टू दिस, क्या करें? अगर आर की दो वैल्यूज आ रही है, चेक कैसे करते हैं? एस 20 निकालना है, कितना होगा बोलो? ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर 20 अपॉन वन माइनस आर, ये लगाएंगे, बताओ क्या आएगा? व्हाट इज ए? ए क्या है? 0.15 इंटू वन माइनस आर टू द पावर 20, व्हाट इज आर? आर कितना है? 0.1 टू द पावर 20 अपॉन कितना है? 1 माइनस 0.1, तो 0.15 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20 अपॉन में दिस 0.90, ठीक है बच्चों। और आप डेसिमल से, अब डेसिमल कैंसिल कर दो दोनों का, डेसिमल से दोनों डेसिमल कैंसिल कर दो, कितना आ गया? 15 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20 अपॉन कितना है? 90 है ना, तो 19 से, तो 15 से 90 को कैंसिल कर सकते हो, 1/6 आएगा। तो क्या आ जाएगा यहां पर? 1/6, समझ आया? ठीक है, रूट वाला और देखो जरा, एक रूट 7, रूट 21, 3 रूट 7, रूट 7 अगला पार्ट है, रूट 21 है क्या? उसके बाद 3 रूट, ऐसा है या 7 रूट 7 है? 3 रूट 7 है। देखो बच्चों, एक डैश डैश डैश, तो क्या निकालना है आपको? सम ऑफ एन टर्म्स। अच्छा एक बात बताओ, ए कितना है? A1 कितना है? रूट 7। A2 वो हो गया, तो R कैसे निकालोगे? A2 by A1, ठीक है, रूट 21 अपॉन रूट 7, बताओ क्या आया? रूट 7 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 7, कट हो गया, रूट 3 बचा, ठीक है। क्या बचा? रूट 3, R इज इक्वल टू रूट 3, ओके। अब एक बात बताओ, SN, आपको SN फाइंड करना है ना, SN क्या होता है? A R टू द पावर N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1,